बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो हुआ है बहुत ही शानदार क्लोजिंग हुई है। अगर हम गैन एंगल एनालिसिस के बेसिस पे बोलें तो क्लोजिंग जो हुआ है लगभग ये जो 360 डिग्री है इस टारगेट के आसपास हुई है। तो क्या ये 360 डिग्री पार करने के बाद हम आगे की तरफ चलेंगे? तो आगे की तरफ क्या टारगेट है? क्या 21,340 आ सकता है? तो एज फॉर माई व्यू 21,340 देखिए, सॉरी हाँ 21,340 देखिए कहाँ पे क्या रेजिस्टेंस मिलता है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है मूविंग एवरेज के तौर पे 21,500 के आसपास, तो इजीली 21,343 को क्रॉस कर जाएगा और नेक्स्ट टारगेट 21,500 का ही है। 720 नेक्स्ट 360 डिग्री, एक 1360 डिग्री टारगेट ये है, सेकंड 360 डिग्री टारगेट 21,500 के आसपास है। तो ये तो रही मूविंग एवरेज एंड गैन एंगल लेवल के बेसिस पे, लेकिन एज फॉर जो हमारा स्पेशल एक लेवल एनालिसिस है उस लेवल एनालिसिस के बेसिस पे मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है? तो मेजर रेजिस्टेंस 21,450 के आसपास है। तो ये क्या तेजी में आ गया है या सेल अंडरलाइन में है? तो ये तेजी में है और इसका 20,800 के ऊपर तेजी के लाइन में है। इसका पहला टारगेट 21,000, सेकेंड टारगेट 21,250, थर्ड टारगेट 21,451 और टारगेट 4 ये एक मेजर टारगेट होगा 21,716 और लेकिन सेल ग्रिप के ऊपर है। लेकिन सेल ग्रिप का लेवल क्या है? तो 21,700 के नीचे और मेजर सपोर्ट 21,400 के आसपास। तो ओवरऑल 21,700 सेल लेवल के ग्रिप में है और बाजार 20,900 के आसपास है। तो 21,700 जो टारगेट 4 है ये एक रेजिस्टेंस है मेजर और 21,700 ये भी एक मेजर रेजिस्टेंस है। और ओवरऑल जो इसका सेल का ब्रेकआउट लेवल है 20,780 ये लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो 21,750 ये लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम होगा और नीचे जो सपोर्ट है 20,700 का लेवल 20,750-20,780 ये एक मेजर सपोर्ट होगा। तो ओवरऑल एक मेजर टारगेट अपसाइड और डाउनसाइड का सपोर्ट एनालिसिस हमने बैंक निफ्टी में किया इस वीडियो के बेसिस पे। इसी तरीके का वीडियो वैल्यूएबल जानने के लिए हमारे इस चैनल से बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के बाय।